सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है पार्था हल्दर, मैं फिडजी पंजाबी बाग सेंटर की हेड हूँ और फिडजी में मेरी 17 साल हो गया, ये 18 साल चल रहे, तो क्वाइट ए लॉन्ग टाइम मैं फिडजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज जो है, आज मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, बिकॉज हमारी दिल्ली स्टेट टॉपर आए हैं IITJEE एडवांस 2016 में। नॉट ओनली दैट, अपार्ट फ्रॉम JEE IITJEE टॉपर और दिल्ली स्टेट टॉपर, हमारे पास और भी काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक आए हैं। इनफैक्ट रैंक 23 वो हरियाणा सेकेंड स्टेट टॉपर होगा, हरियाणा स्टेट का सेकेंड टॉपर होगा। उसके बाद रैंक 38 आए हैं, भी दिल्ली का आई थिंक थर्ड या फोर्थ टॉपर होगा। और एक रैंक आए हैं जो अभी आना बाकी है, आई थिंक 71 है रैंक, हर्षित ही फ्रॉम रोहतक, रोहतक से एक बच्चे की रिजल्ट आना बाकी है। तो टॉप 100 में हमारी 4 रैंक कन्फर्म हो गया, तो ये बड़ी खुशी की माहौल है, बिकॉज टॉप 100 में रैंक लाना अपने आप बहुत बड़ी बात है। तो उसके साथ साथ दिल्ली स्टेट टॉपर आना और उसके साथ इतनी अच्छी रैंक लाना बहुत है, आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी। इस कामयाबी के पीछे क्या है, मतलब इस कामयाबी के पीछे देखिए दो चीज़ें हैं, एक बच्चे की मेहनत, दूसरा फिडजी की सिस्टम मेथोडोलॉजी टीचिंग, जो उस मेहनत को एक्चुअली सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना किया होगा। थर्ड जो है, थर्ड है टीचर, हमारी जो गुरुज है, टीचर है, ये टीचर बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। और पेरेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को तो डेफिनेटली हमें हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो ये चार चीज़ है, बच्चे की कॉन्ट्रीब्यूशन, फिडजी सिस्टम की कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारी टीचर की कॉन्ट्रीब्यूशन और पेरेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन, ये चारों मिला के बच्चा फाइनली अच्छा रहेगा। सर दूसरा सवाल ये है कि फिडजी के 16 साल के सफ़र को आप किस तरह देखते हैं और आप कितने अब तक कितने इंजीनियर दिया है फिडजी ने? देखिए मेरा फिडजी का तो 25 साल की हिस्ट्री है, ये 25 साल चल रहा है फिडजी का, मेरा 17 साल है। हमने कितने इंजीनियर दिए हैं फिडजी ने? फिडजी ने तो देखिए ऐसे तो काउंट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, हमारी हर साल में जब आज की डेट में 4,000 से 5,000 इंजीनियर जो IITJEE में जाते हैं वो फिडजी से जाते हैं। कितने इंजीनियर आपके हर साल अभी करेंट IIT में 4,000 से 5,000 स्टूडेंट फिडजी से जाते हैं हर साल IIT में, बट अभी IITJEE की सीट बड़ा है तो इसलिए 4,000-5,000 जाते हैं। पहले जब IITJEE में सिर्फ 2,000 स्टूडेंट था तो 2,000 में से 1,000 हमारा होता था। तो इस तरीके से काउंट करेंगे तो हमारी काफ़ी एक लार्ज नंबर, सब्सटेंशियल नंबर निकल के आएगा जो फिडजी से पढ़ के फाइनली IITJEE में इंजीनियर। ठीक है सर, अच्छा आपकी संस्था फिडजी स्कूल लेवल से ही IIT की तैयारी कराता है? बिल्कुल, इस कंसेप्ट के बारे में विस्तार से बताइए। IITJEE की प्रिपरेशन, IITJEE की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं बच्चे की सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट डेवलप करना, उसकी IQ को डेवलप करना, उसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना। स्कूल लेवल पे अगर आप लेते हैं तो कैसे उनको मैनेज करते हैं स्कूल को? तो जब बच्चा एक क्लास 6 में होते हैं, एक बच्चा जब क्लास 6 में होते तब उसको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना होता, बट उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं देना होता है, बट क्लास 6 एक बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो IQ लेवल डेवलप कर रहे हैं वो फंडामेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, क्लास 6, 7, 8 इन तीनों क्लास में जो बच्चे फिडजी में ज्वाइन करते हैं उन बच्चों की फंडामेंटल डेवलपमेंट, IQ डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटी डेवलपमेंट में खूब मेहनत करते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा क्लास 9th पे आ गया, अब उसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए उस फंडामेंटल डायरेक्शन में प्रिपरेशन स्टार्ट करवाते हैं। जैसे 9th पे आते हैं JSTSE, तो वो स्कूल जा पाता है या आप? बिल्कुल स्कूल जाता है, उसके आवर्स अलग होते हैं आपके? बिल्कुल स्कूल जो है बच्चा हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि बच्चे स्कूल में जाए, हम कभी बच्चों को नहीं कहते कि आप स्कूल में मत जाना। हाउएवर अगर ये हम ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे स्कूलिंग भी फिडजी के साथ ही करें, क्योंकि हमारी कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें फिडजी के साथ कुछ स्कूल का टाई अप है, और फिडजी उसमें स्कूल में IITJEE की प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन और स्कूल का प्रिपरेशन दोनों इकट्ठा करते हैं। स्कूल में ही जाके कराते हैं आप? हाँ स्कूल में जाके कराते हैं। अच्छा, ये अगर बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जिस स्कूल के साथ फिडजी की टाई अप है, तो उसी स्कूल के अंदर फिडजी की टीचर जाके उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर देंगे, स्कूल के लिए। तो फिडजी जो बच्चों को प्रिपेयर करता है सिक्स से ही करना शुरू करना शुरू करता है? और तो ज़्यादा बच्चे आते हैं सिक्स से, नाइन से ज़्यादा? नाइन से सबसे ज़्यादा, ज़्यादा बच्चे आते हैं, बट सिक्स से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट। नहीं, जिन स्कूल के बच्चों को आप मतलब पढ़ाते हैं, IIT की तैयारी करवाते हैं, उस स्कूल का चुनाव कैसे करते हैं, उसका आधार क्या होता है? उसके स्कूल की चुनाव मतलब हमारी चुनाव ऐसा होता है जिस स्कूल को, वो स्कूल बहुत बड़े स्कूल ना हो,
क्योंकि कई बार क्या होता है हमें कुछ मेथोडोलॉजी सिस्टम एडॉप्ट करनी होती है, हाँ, सही बात है हाँ। बड़े स्कूल होंगे तो उनका अपना और तैयार नहीं होगा, वो कहेंगे भाई फिरजी के हिसाब से हम नहीं करेंगे, पर हमें चाहिए कि स्कूल हमारी जैसा रिक्वायरमेंट है बच्चों की फंडामेंटल को डेवलप करने के लिए फिरजी वो फिरजी को फॉलो करें। तो हम बहुत छोटे छोटे स्कूल के साथ टाई अप करते हैं, छोटे इन द सेंस उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसके एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ हम डेवलप कर लेंगे। तो हम उन स्कूल के साथ जब 3-4 साल काम करते हैं तो उसके बाद इंजीनियरिंग की बेसिकली तैयारी कराती है। इंजीनियरिंग इज द फाइनल गोल, IIT इज द फाइनल गोल, बट उसके साथ साथ हम NTSC, ओलंपियाड, KBPY, कुछ माइलस्टोन्स एग्जाम्स हैं। मेडिकल का आप लोगों ने नहीं? अभी मेडिकल अभी नहीं करते। आपकी संस्था कई तरह के प्रोग्राम चलाती है, उस प्रोग्राम के बारे में जैसे आप बता रहे थे थोड़ा सा विस्तार से बताएं कैसे। जैसे हमारे पास जो बच्चा आते हैं क्लास 6, 7, 8, हम उस बच्चे को प्रिपेयर कराते हैं कि ये सारे बच्चे जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं। फायदा होता है? हाँ, उसके बहुत फायदे हैं। उसके साथ साथ ये सारे बच्चे जो नेशनल लेवल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम या स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर करें हमारे साथ, जो सारे एग्ज़ाम क्लास 9th और 10th में होते हैं। फिर जाके बच्चा क्लास 11th पे आते हैं तो KBPY में अपीयर करते हैं। तो जब बच्चा हमारे पास 9th से 8th में ज्वाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि सारे बच्चों के लिए ये सारे जो जूनियर लेवल के एग्ज़ाम है, जूनियर साइंस ओलंपियाड, फिर स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फिर नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टैलेंट सर्च एग्ज़ाम NTSC, फिर जाके सीनियर लेवल ओलंपियाड, फिर KBPY, फिर फाइनल जाके IIT के लिए प्रिपेयर करें। तो हमारी मेथोडोलॉजी बना हुआ है कि बच्चा जब हमारे साथ लंबा टाइम के लिए रहेगा सारे एग्जाम के लिए वन बाय वन। बच्चे जैसे सिक्स से ही बच्चे मतलब ट्यूशन पेरेंट्स लगा देते हैं, तो क्या बच्चों को जब आपके यहाँ कोचिंग में आते हैं तो उनको साइंस मैथ्स या PCM इसके लिए कोचिंग करने की जरूरत होती है? ट्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ाते, आप यहाँ ही हो जाता काम? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फंडामेंटल ही पढ़ाते हैं हम, ट्यूशन सेंटर नहीं है। We are not ट्यूशन से, तो हम कभी भी ये बिलीव नहीं करते कि उसको कुछ चीज़ें रटवा दो या स्कूल की होमवर्क करवा दो। नहीं, ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं ट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है, अलग बात है। में मान लो कोई बच्चा हमारे पास जब बच्चा आपके पास आ गया तो उसके बाद उसको ट्यूशन की ट्यूशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी फंडामेंटल ऐसा डेवलप होगा वो बाकी सब्जेक्ट को बाई डिफॉल्ट आपने अपने कोई ये फायदा है। अच्छा, ये आपकी संस्था कई तरह प्रतियोगिता भी करती है? क्या चीज़? कंपटीशन भी कराती है? हाँ। और ये किस तरह से छात्रों के लिए मददगार होता है, हेल्पफुल है? कौन सा बताइए? कोई कंपटीशन भी कराते हैं आप लोग किस तरह? कंपटीशन मतलब बच्चों के अंदर? बच्चों में? हाँ बिल्कुल, बच्चों में कंपटीशन, बच्चों के अंदर हमेशा इंटरनल कंपटीशन हम रखते हैं। अच्छा। उसकी बहुत सारे प्रोसेस है, ये जो आपको मैंने फेलोशिप भी होता है उसमें रिवार्ड्स होते हैं, रिवार्ड्स हैं, रिवार्ड्स होते हैं कि हमें उसको मोटिवेशन रखते हैं कि भाई अगर तुम NTSC में स्टेट टॉपर बनोगे तो तुम्हें कुछ रिवार्ड मिलेगा। वो रिवार्ड इज एक्चुअली ए मोटिवेशन फॉर दिस, बट कभी भी वो अनएथिकल कॉम्पिटिशन नहीं है। जैसे इस बार जो NTSC की स्टेट टॉपर है वो भी पंजाबी वाक से है, KBPY की जो स्टेट टॉपर है वो भी पंजाबी वाक से है। अच्छा, MHRD अभी जो वेटेज का क्या फार्मूला है, अभी जो 12th के मार्क्स और फिर जो IIT की जो JEE की रैंकिंग, क्या वेटेज है उसकी? JEE एडवांस में बोर्ड एग्जाम का कोई वेटेज नहीं है, कोई वेटेज नहीं। JEE एडवांस के लिए सिर्फ इतना होना चाहिए कि बच्चे की मार्क्स आइदर बोर्ड एग्जाम में 12th में 75% मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 75% और वो उस बोर्ड का टॉप 20% की मार्क्स में होनी चाहिए, चाहे टॉप 20% का मार्क्स 70%, 75%, 20% कुछ भी, अगर हो गया तो बाकी उसका कुछ नहीं चाहिए। बाकी IIT JEE की एडवांस की रैंक के साथ उसकी बोर्ड परफॉर्मेंस की कोई रिलेशन नहीं है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो बाकी कुछ भी बोर्ड एग्जाम पे मार्क्स नहीं करेगा। 40% वेटेज देते थे वो JEE मेंस में था, वो अभी भी है मेंस में। अब JEE मेंस में जो रैंक आते हैं उस रैंक में 40% वेटेज होते हैं 12th की, वो अभी भी। ये हटाने का फैसला हुआ 2017 से शायद हट जाएगा, इसका क्या असर होगा? असर अच्छा होगा कि कई बार बच्चे क्या करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो बच्चे कहीं पर, क्योंकि देखिए CBSE मतलब कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, नहीं कट ऑफ नहीं, JEE मेन का जो नहीं होगा, कट ऑफ ज़्यादा नहीं होगा। इनफैक्ट होगा क्या, बच्चा जो पहले JEE मेंस में बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंस होने की बजाय बोर्ड एग्जाम के लिए जो मगअप कर रहा था अब वो उतना ज़्यादा नहीं करेगा बट उसको पता है कि मैं फंडामेंटल पढ़ूंगा तो मेरी बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी कवर हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कवर हो जाएगा। तो देयर विल बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पहले वो जोड़ के रैंकिंग निकालते थे ना, आप नेक्स्ट ईयर से शायद ऐसा नहीं अभी है 2016 में तो है बट 2017 नेक्स्ट ईयर से नहीं है, वो अभी प्रपोजल में है कि से नहीं। अच्छा, MHRD में JEE में बैठने के लिए स्टूडेंट को 12वीं में कम से कम 25,000 अंक हासिल करने होंगे,
सरकार का ये फैसला कहाँ तक ठीक है? कम से कम 75% मार्क्स होना चाहिए जेई में बैठने के लिए। हाँ, यही तो मैंने बताया ना कि जेई एडवांस में बैठने के लिए नहीं है। अच्छा, बैठने के लिए नहीं है? बैठने के लिए नहीं है, वो है जेई एडवांस में आपका रैंक आने के लिए। और रैंक अगर आ भी जाएगा तो आईआईटी जेई में दाखिला लेने उतना 75 उतना होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब जेई एडवांस होता है तब तो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आया ही नहीं, तो आईआईटी जेई डिसाइड कैसे करेगा किसको बैठना है किसको? अच्छा, दूसरा, सरकार जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मुफ्त में तैयारी की व्यवस्था करने जा रही है, क्या आपको लगता है इसका असर देश के बड़े कोचिंग संस्थानों पर पड़ेगा? बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, असर पड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, ये तो सरकार को काफ़ी पहले करना चाहिए था, जो काम हम कर रहे हैं फॉर्चुनेट 40 की अंडर में, कि हम बच्चों को हेल्प कर रहे हैं आगे पढ़ो, अगर ये चीज़ सरकार की करे तो हमारे लिए तो बेनिफिट है, बेनिफिट होगा और अच्छे बच्चे आएंगे। और अच्छा, आईआईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहते हैं? प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन एज अर्ली स्टार्ट करें एज पॉसिबल स्टार्ट करें, जितनी जल्दी पॉसिबल है स्टार्ट करें। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन, अच्छे कोचिंग क्लास से कहेंगे कि शुरू कर देना चाहिए। अगर आईटीजे की प्रिपरेशन शुरू करना है तो 9th इज दी करेक्ट, 9 कम से कम मिनिमम मिनिमम होना चाहिए। बट उसके लिए जो फंडामेंटल स्टडी है, आईक्यू डेवलपमेंट, वो 6 से स्टार्ट हो जाए तो और अच्छा रहेगा। बात करने के लिए बहुत अच्छा, अपना कार्ड